इस ब्लॉग के दो पार्ट बनेंगे। मैं पहले आपको बता दूँ इस ब्लॉग के दो पार्ट बनेंगे, सो अंत तक लाजमी देखिएगा। बाकी क्या बनेगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पार्ट राज कमला करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक ही होंगे। सो इस टाइम पे जी दिन के हो रहे हैं तकरीबन दो, और ब्लॉग इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि दो दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारे कुछ घर पे इशूज़ चल रहे थे, इशूज़ क्या चल रहे थे, अभी उसी प्लेस पे जा रहे हैं। सो वहाँ पे जाकर आपको मैं क्लियर करता हूँ इशूज़ क्या चल रहे थे और आपको पूरी बात समझाता हूँ कि हुआ हमारे साथ क्या लास्ट दो दिन में। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों से शेयर कर दीजिएगा। चलते तो पहले जी बाइक हमारी हुई है प्यासी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैंने तो इसमें पेट्रोल डलवाया नहीं है, सो मुझे पता भी नहीं है कितना। सो चल के पहले इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आके दोस्त को लेते हैं साथ और चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर कोई मसले हुए थे, जो भी हुआ था सब कुछ आपको बताते हैं। फ्यूलिंग हो गई है जी और पेट्रोल का सिर्फ चल रहा है 146.6। चलते हैं मानी को उठाते हैं और चलते हैं फिर आगे अपने डेस्टिनेशन पे। ये जगह का माना कर ये लगे लगाए ब्लॉक से, अब देखें आपको मैं बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ। पहले मुझे ब्लॉक काउंट करने हैं क्लियरली, फिर आपको ना आराम से घर जाकर सारी बात बताता हूँ। 300 ब्लॉक हैं टोटल, ये तो बंदे ज़्यादा थे नहीं तो मुझसे तो काउंट हो ही नहीं रहे। हाँ जी, तो जगह आपने जी देख ली, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। सारी बात स्टार्ट से शुरू करते हैं कि हुआ क्या और क्या सीन था। हमारी जगह पर कोशिश की गई जी कब्ज़ा करने की, बात है चार दिन पहले की। हाँ, चार दिन पहले की हमारी जगह जिस जहाँ पर हमारा घर है इस वक्त इससे तकरीबन 5 मिनट के फासले पे है। मैं अभी आपको कैमरा 1 मिनट देखने पहले आपको नज़र आ रहा है इसमें ये इस तरफ है। ये इस तरफ करके ना, ये जहाँ पे ये वाइट टंकी आपको नज़र आ रही है ना, इस तरफ करके हमने ना वहाँ पे आके ना, हमें एक बंदा आया वाकफ था, मतलब जानने वाला था, उससे मोहल्ले का मतलब जानते ही हैं तकरीबन सारे। तो उसने कहा कि आपने जी जगह सेल कर दी है। हमने कहा जी कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, कहते हैं वो जो आपने पुरानी। अच्छा मैं बात बताऊँगी, ये जगह हमने ली थी 2005 में, स्टार्ट से बता रहा हूँ। तो कहता है जी, हमने बोला जी नहीं हमने तो नहीं सेल की। कहता है वहाँ पे तो कोई बंदा आके तो लगा रहा है ब्लॉक्स वगैरह लगा के, तो उसने दीवारें खड़ी कर ली हैं। मैं भी वीडियो अटैच कर दूंगा कि क्या हुआ था। ये जो दीवारें आपको गिरी हुई नज़र आ रही हैं, वो गिराई कैसे थी वो हमने जाके फिर गिराई थी। हमने जाके देखा तो अब जाहिर सी बात है हमारे जो है प्लेस है, हम तो उस पर नहीं लगाने देंगे किसी को भी कोई चीज़। सो एनीवेज हम गए थे उधर, हमने जाके सुबह हमने उसे कॉल की कि आओ आपने ये क्यों किया ऐसे उस बंदे से। हमने उधर से रिहाइशियों से नंबर लिया, हम तो उसे जानते नहीं थे पहले। नेम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर जो हैं वो आस पास के ही हैं तो जानते ही होंगे उस बंदे को भी। सो वो बंदा जो है उसको कॉल कीजिए, वो कहता जी मैं अभी मतलब जैसे बंदा करता है ना जान छोड़ा कि मैं अभी नहीं आ सकता जी, मैं काम पर बिज़ी हूँ। हालाँकि सुबह सुबह का टाइम था तो मैं काम में बिज़ी हूँ जी, ये वो तो मैं नहीं आ सकता। हम गुस्सा आ गया जी, हमारी प्लेस पे एक तो ये रखा है ये सब कर रहा है और ऊपर से कह रहा है कि मैं आ नहीं सकता ये वो। हमने उसकी दीवारें गिरा दी। जब दीवारें गिरा दी हमने, क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम अपने राइट पे थे, हमने दीवारें गिरानी थी। तो जब वो बंदा आया हम वहाँ से गए सारे, तो आके जी वो बंदा आगे से लड़ने वाली बात जैसे नहीं करते कि आपने ये मेरी दीवारें गिरा दी, ये कर दिया वो कर दिया, मुझे कॉल तो करते। हमने कहा जी हमने आपको कॉल की थी, आपने नहीं उठाई। जब उठाई पहले तो वो कॉल उठा नहीं रहा था, जब उसने उठाई तो उसके बाद उसने जो बात की मैंने आपको बता दी। तो ये सारा सीन हुआ, उसे हमने पता, हमने उसे ये कहा कि हमारे पास उसके पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के, जिस जगह पे आप हम खड़े थे उस टाइम पे उसके पेपर्स हैं, आप भी जाओ और पेपर ले आओ अपने। तो पहले तो वो ऐसे ही करता रहा जी, ले आते हैं कर लेते हैं टाइम बना लेते हैं बात कर लेते हैं। हमने जब थोड़ा गुस्से में आके बड़े थे गुस्से में आके, जब उन्होंने बोला कि नहीं कर नहीं लेते पेपर ले के आओ, तो वो शायद पेपर लेने गए यहाँ से और जाकर उन्होंने कर दिया पुलिस को कॉल 15 पे कॉल। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस ने ये नहीं देखा किसकी जगह थी और क्या सीन था। उन्होंने जाके जगह को मुआयना किया, पिक्स वगैरह लिए और उन्होंने मेरे जो मामों वगैरह लोग उनको जी बुला लिए, कॉल कर लिया क्योंकि नंबर थे, कॉल कर लिया उन्होंने। खैर यहाँ पे रोड तक ही आए थे वो,
तो बातचीत उनसे की कि ये क्या क्यों जी हमें क्यों बुलाया गया, ये कहते हैं जी उन्होंने 15 पे कॉल की है, आप फिर उन्होंने दरख्वास्त दी है कि आपने उनकी जगह पर गैर कानूनी कब्जा करने की कोशिश कर दी, और हम कह रहे थे कि उसने हमारी जगह पर कब्जा करने की कोशिश की। ये बात लंबी होते 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 जी वो कहते हैं जी आप लोग 4 बजे का उन्होंने टाइम दिया, कल की बात बता, कल आप ना 4 बजे पुलिस स्टेशन आ जाइए, कल नहीं उसी दिन, मतलब 4 बजे मेरा कल है, ठीक है आप लोग उसी दिन 4 बजे आपने ये करना है एक्सपेक्ट कि उसी दिन 4 बजे कि आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाइए। अब हम लोग अपने राइट पर थे, हमने पेपर वगैरह कलेक्ट किए, सारे पुलिस स्टेशन चले गए, अब उस बंदे के पास पेपर थे ही नहीं, वो बंदे को उधर पुलिस वालों ने बोल बोल के पेपर निकालो, उसके पास पेपर थे ही नहीं, और जब आज वो आया तो कहीं से पता नहीं कौन से पेपर निकाल के ले आया, वो पेपर पुलिस मान भी नहीं थे, वो पेपर में रिकॉर्ड में शामिल है, सो बहुत पढ़ के चुका। अब उस पर लेकिन वो फिर भी मान नहीं था, कहता था नहीं जी मेरी उधर जगह है, ये है वो है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादा की है, तो हमने जी उस पर FIR करवाई, क्योंकि हम अपने राइट पे थे, हमारे पेपर थे बिल्कुल लीगल, हमने पुलिस को वहाँ पे कॉपी जमा करवाई, उससे FIR करवाई। अब जो SHO थाना से सदर थाने का, तो उसने कहा जी अगर तो प्लेस हुई आपके उधर तो वो हम आपको देंगे, अगर ना हुई तो फिर आप केस हो, और वो भी कब्जे का केस होगा। वो बंदा जी इस बात से थोड़ा सा घबरा गया कि अगर मेरी, क्योंकि हमने पहले उसको जगह एक हम जाके नाप के बता दी, जल्दी करना है आप बैठ के बाद हुक्म कर लो पुलिस तक ना जाओ, लेकिन अब वो बंदा जी आ गया रात को घर आ गया पुलिस स्टेशन, जब हम सवेरे जा रहे हैं कल अब जो करना है हमने कानून के हाथ से छोड़ दिया, सो वो रात को घर आ गया जी, कहता है जी मुझे माफ़ी दे दें, वहाँ पर हमें अच्छा उस टाइम पर जब हमने नापा था ना तो वहाँ पर 3 बंदों की जगह, एक हमारी 7 मरले थी, 7 बारों की हमें ये पता था क्योंकि 5 मरले हैं, क्योंकि वो काफ़ी जोर हमने डोर ना किया था, छोटे की जगह नहीं था, हमने डोर ना किया था लेकिन कोई आया नहीं पाए तो वो थे शायद बाहर थे कहीं, सो वो घर नहीं थे, हमने एक्सपेक्ट किया क्योंकि 5 मरले थे, हमें यही पता था क्योंकि 5 मरले थे, सो एक और बंदा था जिसको हम जानते थे उसकी भी 5 मरले थे, 5.5 मरले, तो ये इंस्पेक्टर चले थे उधर, 2 मरले फालतू निकल रही थी, टोटल थी वो 18.5 मरले जगह, 19 मरले 18.5 जितने भी थे, ठीक वो बंदा समझ रहा था कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मेरी 2 मरले जब यहाँ से फालतू निकल रही है तो मेरी 4 मरले भी पूरी होगी, उस बंदे की 4 मरले थी जो कह रहा था कि जो हमारी जगह पर बना रहा था जी, वो इस बात पर था। सो जब सुबह हम जे उधर को चेक किया हमने कि क्या माजरा क्या है कि उसकी 2 मरले कैसे निकल रही है, तो हमने जब सामने वालों को दरबार टकाया उनका जो आदमी बाहर आया तो वो कहता है जी मेरी 6.5 मरले जगह थी, 5 नहीं थी, उधर से बात क्लियर होगी कि उसके साथ हो गया फ्रॉड जो बंदा हमारी जगह पर कब्जा कर रहा था, क्योंकि 6.5 जब उनकी निकल गई तो 2 मरले की जो गुंजाइश थी वो भी खत्म होगी, 5.5 यही थी, 6.5 उनकी निकल गई वो 7 मरले हमारी थी, तो जगह जितनी थी वो कम्प्लीट हो गई, अब उस बंदे के साथ हो गया फ्रॉड। अब बाकी अभी क्या सीन चल रहा है क्योंकि आज अभी दोबारा उन्होंने जाना है, होप सो जी कि आप लोगों को कम्प्लीट समझ आ गई होगी, अभी तक का जो सीन था मैंने आपको समझा दिया, मैंने कहा ब्लॉग नहीं आ रहे अपलोड नहीं हो रहे तो मुझे आपको बता दूँ क्या थी क्या सिचुएशन चल रही थी हमारी, सो अभी बाकी का क्या सीन क्या फाइनल होता है वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि हमारी जगह पर अब क्या बनेगा उधर, सो हम तो अपने राइट पे हैं, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर दिए लाइक, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो देखकर सुकून मिला हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ।